शिव महापुराण के अनुसार स्वर्ग में भगवान शिव के मस्तक की पूजन होती है, पाताल लोक में भगवान शिव जी के चरण की पूजा होती है, और मृत्यु लोक में भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग एक प्रार्थना आप सबसे करूंगा, मैं निवेदन करूंगा आगे की कथा में लिंग कितने प्रकार का होते हैं। शिवलिंग का आशय पहले ब्रिटिश के समय में जब अंग्रेज थे, फिर मिशनरी लोग आए, एक अवभ्रंश फैला दिया है भगवान शिव का लिंग है। और यहां लिंग को योनि की बात कर दे, और आज भी कई हिंदू जिनको ये भाव पता नहीं कि लिंग का आशय क्या है, लिंग किसे कहते हैं, शिवलिंग का आशय क्या है, वह भी यही प्रचार करने में लगे हुए हैं। एक मेरी प्रार्थना है सबसे, शिवलिंग का अर्थ योनि से नहीं आने लगाई, नहीं तो पुरलिंग और स्त्रीलिंग। भगवान शिवलिंग लिंग का अर्थ है परिचय से, लिंग का अर्थ है उस चीज से जहां भगवान की स्थापना होती है, भगवान का विग्रह स्वरूप, भगवान का परिचय, प्रत्यक्ष भगवान शिव जी का स्वरूप ही लिंग के रूप में परिचय है, प्रत्यक्ष स्वरूप। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, लिंग भी दो प्रकार के होते हैं शिवलिंग, एक विष्णु लिंग होता है, दूसरा शिवलिंग होता है। ध्यान से सुनिएगा, हम जो घर में जो स्थापित करते हैं वह विष्णु लिंग है। विष्णु लिंग कैसे होता है, नीचे बेस होता है, ऊपर वृत्ताकार का गोल से, फिर ऊपर एक बेस होता है, फिर डमरू के आकार का जो होता है, समझ गए, डमरू के आकार के ऊपर लिंग स्थापित होता है, उनको विष्णु लिंग कहते हैं। शिवलिंग किसे कहते हैं, जैसे आपको महाकाल के दर्शन किए होंगे, केवल भगवान की जलहरी होती है और वह लिंग की स्थापना होती है। ये भगवान जी के शिवलिंग हैं, मेरे शिव के शिवलिंग। और इस कलिकाल में भगवान शिवलिंग का दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष भगवान शिव जी का दर्शन है। और शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ को घर के अंदर अगर आपको प्रतिष्ठा करनी है, मंदिर का भी निर्माण करना है, तो शिवलिंग का नहीं विष्णु लिंग की स्थापना करिए, नहीं तो दोष कहीं ना कहीं लगेगा। भगवान शिव है विरक्त, और शिवलिंग का पर्याय ही विरक्त से है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहने लगे, सीधे हम कथा में प्रवेश करें। भगवान शिव पुराण के श्रवण करने का महत्व बताया गया, जो अपने घर भगवान शिव पुराण रखता है केवल पूजन के लिए, शिव पुराण खुला हुआ है, हम उस शिव पुराण के निरंतर पूजन कर रहे हैं और एक बिल पत्र अर्पित कर रहे हैं शिव पुराण में। एक बिल पत्र शिव पुराण में अर्पित करना अर्थात आपने एक अश्वमेध यज्ञ कर लिया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ तो पता है होगा, यज्ञ किया जाता है, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, दिग्विजय हो जाए। और जो प्रतिदिन शिव पुराण में एक बिल पत्र अर्पित करता है वह अश्वमेध यज्ञ करता है, आशय क्या, उनके जीवन में सभी सुख समृद्धि शांति का आना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धियां आएगी, जीवन में धन आएगा, वैभव आएगा, और वह व्यक्ति कहीं हारता नहीं है।
कहीं भी चले जाए वो। शिवपुराण सन्मुख है, घर में खुला है, लेकिन हाँ, लेकिन शिवपुराण को लाल कपड़े सफेद कपड़े बांध करके नहीं रखना। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, किसी भी ग्रंथ को केवल बांध करके अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं रखना चाहिए। उस ग्रंथ को खोल करके कम से कम एक श्लोक का पाठ कर लेना चाहिए।